तो यहाँ पे हमने कोणी वेग हो चुका था, नहीं हुआ क्या कोणी वेग? लाओ किताब, लाओ किताब, लाओ, देखिए कहाँ तक पढ़ाया था। किताब लाए हो? नहीं लाए हो आज। तो कोणी विस्थापन हो गया था, और क्या हेडिंग डलवाया था मैंने? कोणी वेग होना है इसके बाद, विस्थापन के बाद कोणी वेग होना है। कोणी वेग डलवाया था, कोणी वेग ना। तो अब डालो हेडिंग कोणीय वेग। अब पहले तुम लोग कोणी वेग के बारे में सोचो, विचार करो और बताओ बेटा कि कोणी वेग होता क्या है, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। कोणी वेग के बारे में पहले थोड़ा विचार करो कि कोणी वेग एक्चुअल में है क्या, बताओ बताओ। सही फिर बता रहे इसने बताया, हाँ बताओ क्या बताया। कोणी वेग मुटकवा चल रहा एंगुलर वेलोसिटी, सूखे में रगड़ दिया फिचड़ा निकल आए हैं गड़बड़ कर दिया इसके साथ है। चलो कोई बात नहीं, दूसरे साथ करेंगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल के लिए कोणीय वेग समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा, नाम से वेग है तो क्लियर हो रहा होगा। हाँ विस्थापन है, नीचे समय है, तो बात समझ में आ रहा है। स्थापन मतलब कि उसमें डिस्प्लेसमेंट कोई चेंज होगा, और यहाँ पर किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो बात समझ में आ रही है। लेकिन एंगुलर लगा हुआ है तो एंगुलर वर्ड लग जाएगा, है ना? हाँ भाई, एक सेकंड में बोल सकते हो किस समय का मतलब? एक सेकंड में जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जितना, उसको उतना क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, है ना? यानी कि एक सेकंड में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसको बोलेंगे क्या हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। सिंपल, यानी एंगुलर वेलोसिटी के चेंज की रेट को, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो। दिस इज मेरी क्या बात। दो तीन डेफिनेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं, मान लीजिए भाई यहाँ तक ये थीटा वन था, यहाँ से थीटा टू हो गया, ये तो पता ही होगा। तो इतने डेल्टी सेकंड में, ये डेल्टी मान लो, इतने सेकंड में डेल्टी सेकंड में कितना चेंजेस हुआ? तो थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन, दैट मीन्स को बोलेंगे डेल थीटा। क्या बोल देंगे? डेल थीटा। डेल्टी सेकंड में इसने डेल थीटा का डिस्प्लेसमेंट किया है, जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसी चेंज को, इसी के जो रेशियो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे हम लोग, यानी कुछ मिला के ऐसे कहेंगे। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग बराबर होगा यहां पर डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। कभी पत्थर को बांध कर रस्सी में नचाया तो होगा ही, जब आपने नचाया तो क्या क्या देखने को मिला वो तो भी समझा होगा, नहीं समझा क्या? समझाए तो आपने देखा, जब आप पत्थर नचाते हो तो ये पत्थर यहाँ पे था, कुछ देर पर यहाँ हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना? एंगल से उसका चेंजेस हो रहा है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल्टी समय में, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या? एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कोणीय वेग बोलेंगे। कहानी क्लियर हो रही नहीं हो रही है? ठीक है। और इसको डिनोट किसे करते हैं बेटा? ओमेगा से डिनोट करते हैं। किसे? ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये भी तो कह सकते हो कि एंगुलर, सॉरी हिंदी में बोलते हैं कोणीय विस्थापन तथा समांतराल, ये समांतराल बोल सकते हो ना, कोणीय विस्थापन तथा समांतराल के अनुपात को कोणीय वेग कहते हैं, ये भी कह सकते हो। अच्छा डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस डेफिनेशन में जो लॉजिक है वो कॉन्सेप्ट जो निकलने चाहिए वो एकदम ट्रू होने चाहिए, बस इतना याद रखना। जब आप फैक्चुअल बात करोगे ना तो मजा आएगा, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू, बात कर सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। मैं एवरेज को लेकर चल रहा हूँ, क्या लेकर चल रहा हूँ मैं? एवरेज। कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताइए मुझे भाई साहब, कोई दिक्कत? अब मैं मान लो डेल्टी समय को, इसको अप्रोच करा रहा हूँ जीरो की ओर, डेल्टी को मैं अप्रोच करा दूँ जीरो की ओर, तो ये बन जाता है कितना? बहुत स्मॉल चेंज हो जाता है। डेल्टी अप्रोच हो रहा है जीरो की ओर, तो स्मॉल चेंज में हम बात करते हैं, स्मॉल चेंजेस की बात हो रही है। तो डेल्टी अप्रोच टू जीरो,
तांचड़ी पढ़ा नहीं पढ़ा तांचड़ी है ना, किसी क्षण में, किसी क्षण में, हाँ किसी क्षण में, किसी क्षण में एंगुलर वेलोसिटी, किसी क्षण में किसी भी पिंड का कोणीय वेग क्या कहलाता है, तांचड़िक कोणीय वेग कहलाता है। दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। किसी क्षण में किसी कण का कोणीय वेग क्या कहलाता है, औसत कोणीय वेग क्या कहलाता है भाई साहब आपका, तांचड़िक कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, तो तांचड़िक कोणीय वेग कहते हैं। क्लियर होने, किसी क्षण पर, किसी क्षण पर कण का या पिंड का या फिर पार्टिकल का जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तांचड़िक कोणीय वेग यानी इंस्टेंटेनियस क्या बोलते हैं, हाँ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताओ मुझे? ठीक है, अगर हम ये कह दें कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए, किसके लिए, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या कहानी होनी चाहिए, तो आप बताओ क्या बताओगे? तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए नियत कोणीय वेग के लिए बताओ क्या होगा? तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए जिसमें मतलब चेंज ही ना हो रहा हो, कांस्टेंट हो गया हो, दैट मींस क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टी हो जाएगा। तो हो जाएगा थीटा अपॉन टी, याद रखो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टी। ठीक है, थीटा अपॉन टी। अच्छा मान लीजिए अब तुमने एक चक्कर लगाया उसका गनगनाते हुए, समझ नहीं आ रहा है। अब अगर हम एक से एक यहाँ पे एक बात करेंगे, एक चक्कर के लिए बात करेंगे, तो देखो एक चक्कर लगाया आपने, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है कितना समय लगेगा, एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन सेकेंड या एक मिनी सेकेंड, एक दो सेकेंड, मतलब जितना भी लग रहा हो भाई, शायद बड़ा चक्कर लग रहा हो तो शायद एक सेकेंड लग सकता है, और भी बड़ा लग रहा हो सकते हैं दो सेकेंड लग जाए, और छोटा लगा रहे हो तो बहुत कम समय लगेगा, मिली सेकेंड लग सकता है। तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको क्या बोलूंगा मैं, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मैं सर्कुलर लगा रहा हूं तो एक चक्कर लगाने में, हाँ अब यहां पे बात करना है एक चक्कर लगाने में क्या क्या हमारे पास सामने आ रहा है वो लॉजिक लिखेंगे। एक चक्कर लगाए तो एंगल कितना, एंगल कितना होगा, हाँ 360 होगा ना, एक चक्कर जब लगाओगे तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, नहीं होगा, तो एंगल कितना बन जाएगा 360, एक चक्र की बात कर रहा हूँ, वन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा यानी कि 2π, और एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल यानी कि टी कहते हैं, कैपिटल टी कहते हैं, तो टी मान लिया मैंने, तो समय ये हो गया, एंगल ये हो गया, तो बेटा ओमेगा कितना हो जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा 2π अपॉन कैपिटल टी, क्या हो जाएगा 2π अपॉन कैपिटल टी। झूला कभी झूलने गए हो, मेला नहीं गए हो, मेला गए होगे, छोटे पैमाने में बात सब कोई करता, बड़े पैमाने में बात करेंगे हम लोग, वो गोल गोल ऐसे नाचता है एकदम ऐसे ऐसे देखा होगा, कभी बोले झूले में बैठो ना, जो पहले उसमें ऐसे बढ़िया बैठ के ऐसे पकड़ के फिर वो झूलता है तो ऐसे 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 जाता है, वही वाला वो बड़ा वाला झूला मेला में जो आता था ना, हाँ वो वाला झूला देखा, बैठे भी हो गए, मजा आया, ऊपर अगर खड़ा कर देते ऊपर वाले तो क्या हालत टाइट होती है। एक बार मैंने देखा था मेला में मैं गया, एक बंदा चिल्ला रहा था रोक दे भाई रोक दे, हम नहीं हो पाएगा रोक दे, क्योंकि जब वो ऊपर तो नीचे आता था उसकी धड़कने तेज हो जाती थी, दर 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 दर, और बचपन में झूलने मजा नहीं आती थी, देखने मजा आती थी। अच्छा झूलने मजा आई क्या बताओ, झूलने में तो दिमाग खराब होता था, बॉल रे बॉल बड़ा ऊंचा है, देखने बड़ी मजा आती थी, देख के मतलब मजा आ रहा है। तो जब बंदा वहां पहुंचा था ना ध्यान से ऊपर, और ये आया यहां से गया ऊपर, समय लगा कुछ नहीं लगा वो बजाने में कि आया सुन चला गया, समय नहीं लगा कुछ, कितना समय लगेगा जरूर यार, इतनी तेज जाएगा तो बंदा उछल के कहां जाएगा, आई डोंट नो। तो ये बंदा यहाँ अभी लटका हुआ है, और बंदा धीरे धीरे उसको उतार, अब यह लटका हुआ है क्योंकि रोक के तो उतारे गया, तो उसकी हवा टाइट रहेगा नीचे देखकर झांक के, अरे पकड़ ले।
ये होता है एक ऑक्सीलेशन, ध्यान देना, ये यहां था, यहां से आया, यहां गया, एक ऑक्सीलेशन, फिर ये हुआ दूसरा ऑक्सीलेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन। समझ नहीं आ रहा है क्या? चक्कर, चक्कर समझ पा रहे ना ये? अब एक चक्कर कब, एक चक्कर कंप्लीट हुआ तो जितना समय लग रहा है, 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी समय लगा होगा उसका बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी आवर्तक। वो क्या हो गया? टाइम पीरियड। और ध्यान से एंगल काउंट करोगे तो टाइम, अगर एंगल काउंट करो तो टोटल कितना एंगल बन गया? एंगल देखो 360 पाई है ना, 360 डिग्री बन गया भाई, पूरा पूरा सर्कल बन रहा है ना, तो 360 बन गया। ये तो कहानी क्लियर हो गई, तो मैंने वही लिखवा दिया, ओमेगा इक्वल टू 2π/T। अच्छा, हम लोगों ने बात समझ रखा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड के इन्वर्स होती है, जितना कम समय लोगे ना उतनी आवाजें आएंगी। अब सोचो धीरे धीरे करोगे तो डर कम लगेगा, सोच के देखो, ऐसे डर से लोग चिल्लाएंगे कम, इसकी रफ्तार बढ़ा दो। हालांकि मैं यहाँ पे एक विजुलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम रियलिटी की बात करनी है तो एक पत्थर को रस्सी में बांध के खुद तेज नचाओ, जितनी तेज नचाओगे उतनी तेज उसकी आवाज नहीं आती क्या? और धीरे धीरे नचाओ तो कोई ज्यादा आवाज नहीं आती, मतलब जितनी तेज नचाओ उतनी तेज आवाज आती है, जितनी धीरे नचाओ उतनी आवाज नहीं। साइंस साइंस साइंस, मतलब वही, ठीक है, बात समझ आई ना तुम्हारी, वही आवाज। तो अगर उस झूले को खुद तेज नचाया जाए, खुद तेज, और उसमें यही भाई साहब बैठे हुए हो, खासकर उसको बिठा जिसको ऊंचाई डर लगता हो, है ना, तो क्या होगा? समझ पा रहे हो? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन भाई ज्यादा हो रहे हैं, ऑक्सीलेशन जितने ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, एक सेकेंड में जितनी ऑक्सीलेशन बढ़ाओगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑक्सीलेशन से, कितने ऑक्सीलेशन में तुम बढ़ा रहे हो, बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अगर चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हो, एक सेकंड में तुम ज्यादा चक्कर लगा देते हो, एक सेकंड में कम चक्कर लगाते हो, जिसमें कम चक्कर लगाते हो, एक सेकंड जिसमें कम चक्कर लगाते हो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी कि ज्यादा होगी? कम चक्कर लगा रहे हो तो कम होगी, टाइम ज्यादा है चक्कर कम, फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के लिए चक्कर भी मुझे उतने समय में ही ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब टाइम पीरियड को मैं कम करूंगा, टाइम पीरियड कम करने मतलब क्या हुआ, चक्करों संख्या में क्या कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ। अगर चक्करों की संख्या में ज्यादा करूंगा तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी। और बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ने से चीखें भी बढ़ेंगी। सोचो गोली रफ्तार में चला रहे हो, एक उसको जैसे जनरेटर नहीं चलता, जनरेटर वाला लट्टू जो होता है वो खुद नाचता है, और तुम हाथ वाला जो हो वो हाथ से नचाता है करते, तुम हाथ से भूल जाओ। हमने हम लोगों ने कुछ ऐसा गणित लगाया कि उसी में पूरा सेट कर दिया, और गोली रफ्तार से नाच रहा है, तो हमको लोग झूले लटके होते ना वो एक उछल के वहां का एक उसके का, तब फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, तब फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। और जो हाथ से डोलाते रहते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे किया करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि उसमें एक चक्कर लगाने में टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लगेगा तो जाहिर बात फ्रीक्वेंसी कम होगी, टाइम कम लगेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। बात पकड़ में आएगी नहीं, ठीक है? तो ये बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ये बोलो या फिर ये बोलो, ये फॉर्मूला याद रखना, या फिर टी इक्वल टू याद रखो 2π/ω, ये भी याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है ये याद रखो। और चाहे ये बोल लो चाहे दोनों बोलो, और या फिर आप बोलना है 1/T, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने बोला 1/T होती है, टी जितना बढ़ाऊंगा ये उतना कम होगा, जितना कम होगा उतना ये ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/T को मैं क्या बोल दूंगा बेटा, 1/T को मैं क्या बोल दूंगा, एफ। तो ध्यान देखो 1/T की जगह पे एफ आ गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/f, वेयर एफ इज अ फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, ठीक है, और टी इज अ टाइम पीरियड यानी कि आवर्तक। लॉजिक क्लियर है? डाउट है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब सभी को? ठीक है, अब तो और ये भी बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में चक्रों की संख्या, जैसे कहीं 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए होंगे, 50 चक्कर लगाए होंगे उसने, कितने चक्कर, 50 चक्कर, है ना, तो मतलब 50 बार वो ऊपर टंगा होगा। ये भी बोल सकते 50 बार वो बंदा ऊपर टंगा होगा, भाई 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, समझ में आ रहे हैं, 4 चक्कर 5 चक्कर, इस टाइप से। तो जितने चक्कर मतलब उतने बार वो ऊपर जाके टंग रहा है।
ठीक है, लॉजिक क्लियर हो रहा है ना, ये चीजें हैं। तो तुम ऐसे ही विजुलाइज कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। बाकी ये विजुअल था, यूजुअल नहीं था, विजुअलाइजेशन के लिए था, बाकी आप सोच पाए, विचार कर पाए, बाकी ये यूजुअल नहीं था। यूजुअल मत समझना इसको, ठीक है ना, विजुअलाइजेशन के लिए था और कोई दिक्कत नहीं। कहानी में कोई दिक्कत आई हो, कोई पॉइंट ऐसा जो क्लियर ना हुआ तो डिस्कस करो। कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो कर लो बेटा, अभी कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया? मतलब ये है भाई साहब, इस फॉर्मूले से क्या सीख रहे हो? इस फॉर्मूले से ये सीख रहे हैं, जितने चक्कर जल्दी लगाओगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी जल्दी ज्यादा होगी। ये तो सीख रहे हो, जितने चक्कर जल्दी लगाओगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। एक सेकेंड में जितने अधिक चक्कर उतना मतलब वो तेज घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी उतनी ही तेज होगी। और एक सेकेंड में जितने चक्कर क्या होंगे, कम होंगे, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। यही तो पता चल रहा है देखने से। इनवर्स का मतलब क्या होता है? समय जितना ज्यादा ले रहा है चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में समय जितना ज्यादा लेगा मतलब उसकी वेलोसिटी क्या उतनी ही कम है। एक चक्कर लगाने में जितना कम समय लेगा मतलब उसकी वेलोसिटी उतनी क्या है, ज्यादा है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। इनवर्स है एक दूसरे के, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। कोई समस्या आ रही हो तो बताओ मुझे बेटा, कोई दिक्कत? याद रहेगा ना, अगला पॉइंट डालो एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन या फिर कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। याद रखना ये सभी एग्जाम्पल, ये सभी पॉइंट जो होते हैं सब जो सर्कुलर, यानी कि जो सर्कुलर मोशन में है उन्हीं की बात हो रही है। जो सर्कुलर मोशन में नहीं है, स्ट्रेट मोशन में, तो उसमें हम एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे। समझ में नहीं आ रही है? इस सारे की सारी डेफिनेशन किसके थ्रू जा रहे हैं? एंगुलर सॉरी सर्कुलर मोशन, ये सब डेफिनेशन सर्कुलर मोशन के थ्रू जा रही है। यानी सभी में एक बात तो फिक्स है, क्या लैंग्वेज में लिखनी है? घूर्णन गति, यानी कि सर्कुलर मोशन, ये तो है इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन यानी पार्टिकल, ये तो तुम्हें डालना ही पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज में बार बार क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये बात समझ पा रहे हैं कि सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो सारे पॉइंट कहाँ जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं। तो ये बात लिखवाने के हर एक बात में ये बात डालना जरूरी है क्या? कितना हर उसमें फटे में टांग लड़ानी नहीं चाहिए, तो ज़्यादा फर्जी बात ये डालना जरूरी नहीं। अभी कुछ चीज़ें हैं कि फिक्स होती हैं, जैसे कि आवृत्ति गति हम पढ़ा रहे हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात करूँगा ना यार, कोई आसमान से टपक के आएगा नहीं यहाँ पर। लैंग्वेज क्लियर है ना? तो मैं हर लैंग्वेज में सर्कुलर मोशन नहीं डालूँ तो ये तो ये नहीं ना कि डेफिनेशन सर गलत बता रहे हैं। जब तक सर्कुलर मोशन नहीं होगा तब तक एंगुलर वेलोसिटी की बात कहाँ करूँगा मैं? है स्ट्रेट पाथ में कोई मोशन हो रहा है तो उसमें थोड़ी एंगुलर वेलोसिटी लगाऊंगा। दिस इज कॉमन सेंस जो कि बच्चों के अंदर कम पाया जाता है, वो करो तो किताब में लिखा नहीं रहा, गुरु जी है बता दी चालू। और खासकर यूट्यूब में, खासकर यूट्यूब में कहें गुरु जी मत ये नहीं लिखा, आप गलत बतायो, हिया दिया नहीं हुई। अब एक जगह, अब क्योंकि पढ़ाने में मैथ लगाने में ध्यान नहीं दिया गया, अब वो होता रियल नंबर ही, बस वो एक्सटेंडेड रियल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे जिसमें मान लो हमने इधर ओपन इंटरवल लगाया, माइनस इनफिनिटी लगा, इधर प्लस इनफिनिटी, इधर क्लोज इंटरवल लग गया, हालांकि क्लोज नहीं बनाया था ओपन ही, लेकिन वो गलती से ऐसे हो गया। अब कमेंट आएगा, सर आपने एक जगह रियल नंबर में क्लोज इंटरवल लिख दिया। अगर मान लो रियल नंबर में क्लोज इंटरवल, तो वो एक्सटेंडेड रियल नंबर बोला जाता है, लेकिन उनको ये बात नहीं नॉलेज होगी, आई थिंक उनको नॉलेज नहीं होगी, तभी उन्होंने कमेंट कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्लोज इंटरवल अगर हम लगा देंगे तो कौन सा रियल नंबर बन जाएगा, एक्सटेंडेड रियल नंबर बन जाएगा, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होगी। लेकिन नॉलेज नहीं है, लेकिन पकड़ पकड़ करना जरूरी है, नॉलेज नहीं है लेकिन पकड़ पकड़ करना जरूरी है। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये ओनली रियल नंबर है, ये एक्सटेंडेड रियल नंबर है। एक्सटेंडेड रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी इंक्लूड कर दिया जाए तो एक्सटेंडेड रियल नंबर बन जाता है, लेकिन उनको यह ज्ञान नहीं था, पकड़ पकड़ करना जरूरी था, तो हमने कमेंट की रिप्लाई नहीं दिया। हमें राइट, हम तुरंत नेगेटिव कमेंट को इग्नोर ही मारते हैं, फैर जी चीज बात कर रहा है, ये कोई कमेंट मारने वाली चीज, तुम्हें डाउट आया जहां कॉन्सेप्ट पूरा समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो कमेंट जो फर्जी है उसमें कमेंट करेंगे, ये हम रिप्लाई नहीं देते। रिप्लाई उनमें दिया जाता है जो सच में डाउट हो। अब एक बोल रहा है सर जी
आप बच्चा लगते हो देखने में। आज की 3 साल पहले पुरानी वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा कमेंट, उसका कमेंट क्या आया कि सर आप देखने में बच्चा लगते हो। तो यार अब मैं उनको लंबा होके दिखाऊं, अब मैं उनको बाबा बन के दिखाऊं, तो मैं उनको लिए टीचर बनूंगा। तो मतलब ये चीजें होती हैं कि इनको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मैंने इग्नोर मारा, मुझे हंसी बहुत तेज आई, हमने कहा इनको मैं बच्चा लग रहा हूं, मतलब वो अम्मा होंगी फिर। तो ये चीजें हो जाती है। ठीक है, कोड़ी तोरण के बारे में आपका क्या ख्याल है, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हाँ ये भी सही, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी बहुत लोग इसको ऐसा बोल देते हैं कि इसके अनुपात को बोलते हैं ना एंगुलर वेलोसिटी, और इसके जो चेंज होता है द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड द चेंज इन एनी टाइम इंटरवल इज कॉल्ड, वो भी बोल देते हैं, बहुत अपने अपने तरीके से बताया करते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग यही बताओ, बहुत अच्छा रहेगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब समझ पाते हो ना, रेट इतने समय में उसका इतना चेंज, खाली बोलना नहीं होता है उसको समझना भी होता है। हमने 10 बार बोला है, 1 सेकंड में एकांक लगा देते हैं बहुत लोग, है ना, लेकिन एकांक का मीनिंग भी समझना बहुत जरूरी होता है, खाली बोलना जरूरी नहीं होता है। 10 बार बोला होगा मैंने ये बात, इसको डिनोट करूंगा मैं अल्फा से। ठीक है, और मैं एवरेज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं औसत यहाँ पे देखने वाला हूँ, एवरेज ही देखने वाला हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अगर मैं बात करूँ ताक्षणिक की, ताक्षणिक तो ताक्षणिक में सिंपल सी कहानी बन जाती है कि किसी क्षण पर, किसी टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम की बात करूंगा, इस क्षण बताओ, इस समय बताओ, इस समय बताओ, होता नहीं जैसे कि अभी कॉल किया हमने, हाँ भाई कहाँ है, मतलब मैं ताक्षणिक की बात कर रहा हूँ, तत्कालिक तुरंत बता, तुरंत, हाँ भाई कहाँ है, हाँ भाई यहाँ पे हैं, अच्छा इंस्टेंटली बात करो, किसी क्षण बात करो, हाँ भाई यहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं अब, मान लो ये कर रहे हैं, हाँ सर ये कर रहे हैं, ठीक ठीक कर ले, अब ये भी तो बता सकते ना, थोड़ी पहले वो खाना खा रहे थे, ये भी बता सकते ना मैं खाना खा रहा था पहले, लेकिन मैंने वो नहीं पूछा, मैंने कहा क्या कर रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में जो कर रहा है वो बता, अब तुम ये कर रहे हो चाहे ये कर रहे हो चाहे जो कर रहे हो चाहे ये कर रहे हो, ये और ये, इन तीनों में से कुछ भी कर रहे हो, मुझे इंस्टेंटली बता तू कर क्या रहा है, इंस्टेंटली बता तू कर क्या रहा है। तो फिर उसने बताया, तो किसी क्षण जो कर रहे हो वही कहलाएगा ताक्षणिक। जैसे कि मैं बोलूं कार, सॉरी मैं बोलूं वेग, नॉर्मल वेलोसिटी, ताक्षणिक वेलोसिटी है ना, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग क्या होगा, किस क्षण पे वस्तु का वेग कहलाएगा ताक्षणिक वेग, ऐसा लगा दो तुरंत, डेफिनेशन बनाना आसान। जैसे मैंने बोला चाल, ताक्षणिक चाल, किसी वस्तु किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में वस्तु के चाल को क्या कहते हैं, ताक्षणिक चाल, ऐसे लगा दो। जैसे मैंने बोला ताक्षणिक कोणीय वेग, किसी निश्चित समय में वस्तु का पिंड का या वस्तु का जो भी है ना कोणीय वेग क्या कहलाएगा, ताक्षणिक, समझ में आ रहा, किसी निश्चित समय में लगा के उसको झोंक दो, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, कहानी क्लियर है, डाउट है। अगर मान लो ये पूछा हमने ताक्षणिक कोणीय त्वरण बताओ, किसी निश्चित समय वस्तु का, किसी निश्चित समय वस्तु का, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण क्या कहलाएगा, ताक्षणिक त्वरण कहलाएगा, ताक्षणिक कोणीय त्वरण कहलाएगा, दैट मीन्स डेल्टी अप्रोच टू जीरो कर जाएगा। तो इसमें हमारी कहानी क्या हो जाएगी बेटा, तो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ मुझे यहां तक, अगर मैं कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करूं तो, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करूं तो क्या होगा बेटा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा अपॉन टी हो जाएगा, क्या दिक्कत, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, तो नो डी डेल है ना,
ना तो डी लगाएंगे ना तो डी लगाएंगे, नो चेंज, मतलब अल्फा बराबर ओमेगा अपान टी। अब अगर मैं ये बात करूं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये बात याद रखना ठीक है। लिख लीजिए, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ओमेगा बराबर अल्फा टी हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2πf, ओमेगा वैल्यू कितनी होती है, 2πf, तो ये भी हम लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। लैंग्वेज क्लियर हुआ, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। The relation between linear velocity and angular velocity. Linear velocity and angular. रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध चाहो तो हिंदी भी लिख लो या इंग्लिश भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे हम लोग रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध कैसे निकालोगे। रेखीय वेग का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कोणीय वेग का फॉर्मूला भी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा, तो बताओ कैसे निकालोगे। कोण बराबर क्या होता है बेटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इससे इन दोनों के बीच में रिलेशन बना सकते हो आर और थीटा के बीच में, है ना। हम इसको सिंपल वे में निकालेंगे ठीक है, ज्यादा हम ताच्छे में से नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली ताच्छे के अकॉर्डिंग काम करेंगे ठीक है। देखो ध्यान से, ये हमने नचाया अपने पत्थर को बांध कर, पत्थर को बांध दिया मान लो रस्सी में, और रस्सी में बांध के उसको ऐसे करके नचाया, जब नचाया तो उसका कुछ ऐसा पाथ क्रिएट हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ, और यहाँ पे हो गया जहाँ पे मैंने पकड़ रखा रस्सी को सेंटर मान लो, यहीं पे मैंने रस्सी को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, तो ये मान लो सेंटर ठीक है। यहाँ पे कोई मान लो पार्टिकल है और हम कुछ देर के लिए पाथ कवर कराते हैं इसको, इतना ये इतना पाथ कवर किया इसने और ये इतना होगा, टोटल है जो भी हो लेकिन हमें इतना पाथ पता है ठीक है। ये हो गया रेडियस आर, ये हो गया डेल थीटा, ये कोई चाप इसका होगा, मुझे नहीं पता वो चाप कितना, मान लो ऐसे कुछ भी हो रहा हो ठीक है। अब मुझे बताओ चाप बराबर क्या होता है, चाप मुझे निकालना, तो चाप बराबर क्या होता है, ये थीटा मान लो डी थीटा है ना, हाँ बताओ चाप बराबर क्या होता है, कोण बटे, अच्छा कोण बराबर क्या होगा, कोण बराबर होता है चार बटे त्रिज्या, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस या अपॉन रेडियस, या तुम लोग ना आज भांग खा के आए हो मेरे सामने, है ना, ये रात में बारात गया होगा पक्का बियर पिया होगा इसने, है ना। अब बियर पी के आओगे रात रात जागोगे नहीं, नौटंकी करोगे वहां पर जाके, डांस वो बेहतरीन करता है, उस दिन देखो उछल रहा था बंदर की तरह। बोला कहाँ कहाँ उछल रहे थे, उछल कहीं नहीं रहे थे, अच्छा कोई बात नहीं वो दूसरा कोई रहा होगा। तो यहाँ पे हमने सीखा आर का बराबर हमारे पास क्या होता है, आर इज इक्वल टू एंगल, एंगल रेडियन में होता है बेटा याद रखना ठीक है, इनटू रेडियस, आर मुझे नहीं पता निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एंगल कितना है, एंगल डी थीटा, और रेडियस कितना है आर, तो आर इज इक्वल टू इतना हो जाएगा ठीक है। अब एक मुझे ये बताओ जो रेखीय वेग होता है तुम्हारा, रेखीय वेग, चलो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं डेल आर, क्या नाम दे दिया, डेल आर या डी आर, सॉरी इसको नाम दे दो डी आर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, डी आर इज इक्वल टू आर डी थीटा, सबको क्लियर है ना बात। अब मुझे बताओ सिंपल रेखीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग, वेग
वेग v इक्वल टू क्या होता है विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन कितना है dr अपॉन dt, ठीक है dr की वैल्यू कितनी है तो r d थीटा अपॉन dt, देखो ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, अब लगाओ भाई सेंस, क्या होता है हाँ पकड़ तो रहे हो धीरे धीरे, क्या हो गया टाचड़ी वेक हो गया, तो जो भी है रख दो कोई दिक्कत तो बताओ। इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, इक्वल टू आर ओमेगा कुछ ऐसे ऐसे लिख लो, वेक्टर फॉर्म में ना लिखो भी ना, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखो, ऐसे लिखो नॉर्मल लिखो, कोई दिक्कत हो बताओ मुझे, नहीं निकल पाओगे क्या, समझ में ना आया तो बताओ, आ गया। अगला रिलेशन निकाल के दिखाओ तुम लोग खुद, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। अब तो निकाल सकते हो ना, इक्वल टू क्या होता है डीवी अपॉन डीटी, इक्वल टू क्या होता है इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी होता है, वी की वैल्यू रख दो आर ओमेगा, आर एज ए कांस्टेंट किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए आर क्या होता है कांस्टेंट, आर थोड़ी बदलता है, आर को हमने कांस्टेंट ले लिया तो डी अपॉन डीटी और आर ओमेगा, आर को हमने लिया कांस्टेंट अचर और जो ना बदले उसको बाहर करो तुरंत, तुरंत को बाहर करो, वेरिएबल कौन है यहाँ पर टी सॉरी ओमेगा, तो ये बदल रहा है तो इसको हमने ले लिया आर और ये ले लिया डी ओमेगा अपॉन डीटी, और इसको क्या बोलता हूँ डी ओमेगा अपॉन डीटी को क्या बोलता हूँ मैं, एक्सेलरेशन इनकी अल्फा बोलते हैं, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अल्फा, आर अल्फा नहीं समझ में आए तो बताओ। चलो जितना बता दिया उतने में कोई दिक्कत हो बताओ, हो गया। अब मैं जितना बता देता हूँ बेटा उतना प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ईमानदारी के साथ। चलो अगला हम समझेंगे अभिकेन त्वरण, जिसको बोलते हैं त्रिज त्वरण, यानी कि अभिकेन त्वरण समझ पा रहे हो ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब इसको समझ लो मन लगा के, थोड़ा सा बेटा मन लगा के सीखो इसको, क्या होने वाला है बताओ। अभिकेंद्र, अभिकेंद्र त्वरण यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब बेटा इसके बारे में जानना थोड़ा सा। अब आप ऐसा मानो एक समान वृत्तिगत, पहले एक समान वृत्तिगत को समझ लो, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। एक समान चाल में जब कोई कण एक वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसको एक समान वृत्तिगत कहते हैं, ठीक है। एक समान चाल में कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, बात याद रखना। तब कोई अगर सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक समान वृत्तिगत, हाँ यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, यूनिफॉर्मली यहाँ पे बात हो रही है तो मैं बात कर रहा हूँ एक समान, एक्चुअली मैं उसका मान लो लीनियर वेलोसिटी जो है वो v है, लीनियर वेलोसिटी क्या है बेटा v, यानी रेखीय वेग कितना है v है, रेखीय वेग v है। मान लो यहाँ पे क्या है मेरे पास सेंटर है ना, अब ये कोई पार्टिकल है बेटा यहाँ पर मूव कर रहा है, आप देखोगे ध्यान से तो इसके स्पर्शी यानी वृत्त के स्पर्शी की डायरेक्शन ही इसकी डायरेक्शन बन जाती है,
हर जगह, जैसे यहाँ पे मुंह कर रहा है, यहाँ पर अगर यहाँ पे मुंह कर रहा है तो आप देखोगे इसकी डायरेक्शन ऐसे बन जाएगी, और यहाँ पे मुंह कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर बन जाएगी, और यहाँ पे मुंह कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर बन जाएगी, ऐसे करके इसकी डायरेक्शन बनती रहेगी इस पर से। यानी जो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये टैंजेंट ड्रॉ करते हैं इसी के डायरेक्शन के थ्रू, इसकी डायरेक्शन बनती जाती है। क्लियर नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? और इसके अभिलंबवत, इसके अभिलंबवत यहां पर ध्यान, अभिलंबन हुआ सेंटर की ओर, ठीक है, सेंटर की ओर यहां पर हमारे पास एक खिंचाव हो रहा है, एक त्वरण लग रहा है, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिकेन त्वरण। यहां पे जो त्वरण लग रहा है, सेंटर की ओर जो त्वरण लग रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेन त्वरण कहते हैं। अभिलंबवत दैट मीन्स ये 90 डिग्री हो जाएगा, कोई डाउट हो बताओ? ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये है तो इसकी डायरेक्शन ये आर कैप हो जाएगा, ठीक है। अरे विध्वस्त से आराम से इसमें, क्योंकि आप कार्टेशियन प्लेन में बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक्स और वाई की बात भी होने लगी, सब कुछ बात होगी। चलो इतना भी डीप में बात ना करो, ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि फिलहाल के लिए तुम्हारा ये क्या होता है? डाउट हो बताओ, डाउट हो बताओ। एक समान वृत्तिगत करता हुआ कर्ण केन, हाँ नियत, नियत चाल से तो आइए, देखो जब भी ऐसा होगा, ध्यान समझो मेरी बात को, जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पर खाई डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्या हो रही है, चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रही है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, सही जा रहे हो, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तभी यूनिफॉर्म तो ले रहा हूँ भाई साहब, स्पीड मेरा क्या है, कांस्टेंट है, और डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और ये टैंजेंट की इसकी डायरेक्शन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसकी वेलोसिटी की, इसकी नहीं, इसकी डायरेक्शन तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन किधर है, सेंटर की ओर है, इसकी मैं डायरेक्शन बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो डायरेक्शन इधर जो मुझे एक्सीलरेशन मिल रहा है, वही एक्सीलरेशन क्या कहला रहा है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहला रहा है। इसकी डेफिनेशन लिख लो थोड़ा बहुत, थोड़ा जान लो डेफिनेशन होती क्या है, बना अपने आप से बना सकते हो, कोई बना सकता है डेफिनेशन अगर बनाना चाहो तो? ये जान लो त्वरण एक्सीलरेशन कब पाया जाता है, एक्सीलरेशन कब पाया जाता है बेटा, जब हमारा वेलोसिटी चेंज होता है। यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही, नहीं हो रही है, हो रही है। वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, ओनली डायरेक्शन, क्या चेंज हो रहा है, ओनली डायरेक्शन। तो जो एक्सीलरेशन मिलेगा उसका सेंटर, जो एक्सीलरेशन मिल रहा है उसका जो दिशा है वो किधर मिल रहा है, सेंटर की ओर। तो सेंटर की ओर मिलने वाला एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, अब कुछ क्लियर हुआ महाराज? बस इतना लिखना है, अपने लैंग्वेज को उतार लो। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो पॉइंट वाइज समझो, थ्योरेटिकल वाइज नहीं ना, पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वाइज हम लोग सारे पॉइंट क्लियर कर लेंगे, इसको इसको समझेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो बताओ अभी, इसका फॉर्मूला लिख लो डायरेक्टली, क्या होगा बेटा, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आर ये होगा मेरे पास और वेलोसिटी ये होगी मेरे पास, तो इसका फॉर्मूला होगा ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, अभी सिखाया, वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, क्या होता है आर ओमेगा, दैट मीन्स ए आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ए का कैंसिल हो जाएगा तो ए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। बात समझे नहीं समझे, बस बना लो, कोई दिक्कत नहीं, यही मेन फार्मूला है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, चाहो तो उसको भी रख लो,
तुम्हारी मर्जी। तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? सेंटर की ओर होता है, याद रखा। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? सेंटर की ओर। टेंजेंशियल के कहां होता है? परपेंडिकुलर। टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर कहां? सेंटर की ओर। टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर सेंटर की ओर, यहां पे टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर सेंटर की ओर, ठीक है। यहां पे है टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर सेंटर की ओर, जहां पे देखो यहां पे ये सभी एक्सेलरेशन बन जाएंगे। यहां से कोई डाउट हो बताओ अंदर की ओर। सबको समझ में आ गया? ठीक है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बताना ध्यान से बताना बेटा, ठीक है। अगर हम इसकी डायरेक्शन को बोलें चेंज ना करें, और डायरेक्शन चेंज ना करें और स्पीड को कर दें कॉन्स्टेंट ही, तो बताओ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो कितना होगा? अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा? सीधा चला जाएगा। और सीधा चला जाएगा तो पहली बात तो अभिकेन त्वरण ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो कौन सा त्वरण बन जाएगा? रेखीय त्वरण बन जाएगा। और रेखीय त्वरण में क्या होगा? जीरो या क्या? रेखीय त्वरण का मान तो स्पीड है कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मान लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर? जीरो। तो रेखीय त्वरण जीरो हो जाएगा। डाउट है क्या? समझ आ गया ना सबको? अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, ये आर रेडियस है, कितनी रेडियस है? आर। और एक वृत्ताकार यानी सर्कुलर पाथ में वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और कांस्टेंट स्पीड से, किस स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड से, ध्यान देना। तो इसकी स्पर्शीय स्पर्श रेखीय त्वरण, ध्यान देना, इसका भी एक कोई त्वरण होगा स्पर्श रेखीय, इसको त्वरण बोलते हैं एटी, यानी स्पर्श रेखीय त्वरण। कौन से बोलते हैं? स्पर्श रेखीय त्वरण। तो इसका जो परिमाण होता है वो यहां मिलता है कहीं, ए मुझे यहां मिल जाता है, इसको बोलते हैं परिणामी त्वरण, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालना तो AT इधर मिल जाएगा, AR इधर मिल जाएगा, तो मिल जाएगा आपको, है ना। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, यही मिलेगा भाई। AT इधर तो मान लो AT इधर को डायरेक्शन मिल गया हो यार, तो कुल लगे निकालोगे ना, अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, ऐसा मिलता है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान देना, स्पर्श रेखीय त्वरण शून्य होता है। अगर स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? शून्य, तो उसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कितना होगा? इस पर से कितना सर? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है? जीरो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है जीरो, मतलब ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया जीरो, ठीक है। सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन जो भी होता है मुझे क्या पता, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन तुम्हें बताना है। सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन नहीं दिया गया तो हम उसको AR ही मानेंगे। सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन को AR मानो या AC मान लो, AC या AR? AR इसलिए कि इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन भी बोल देते हैं, इसको हम रेडियल एक्सीलरेशन भी बोल देते हैं, और AC इसलिए बोल सकते हैं सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो AR भी बोल सकते हो और AC भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम यहाँ पे AR में यूज करो तो AR ही यूज करो। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? AR के इक्वल हो जाएगा। फॉर्मूला क्लियर है ना? ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर जीरो हो जाएगा तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? AR। अगला, अगर मान लो, पहला केस तो ये मैंने तुम्हें दे दिया, दूसरा केस ऐसा मान लीजिए किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो मैं, सॉरी जो स्पीड है मैं चेंज कर दूं, स्पीड क्या कर दूं मैं? चेंज कर दूं, और दोनों यहां पे उत्पन्न किया जाए, एक तो टेंजेंशियल भी उत्पन्न करूं मैं, टेंजेंशियल भी हो रहा है और रेडियल भी हो रहा है, दोनों एक्सीलरेशन भी तुम्हें मिल रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी और रेडियल एक्सीलरेशन भी, कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ मान आता है, ठीक है। तो ये बताइए ध्यान से, तो ये बताना है तुम्हें कि उसका परिणामी एक्सीलरेशन कितना होगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कितना होगा? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ध्यान से समझो मेरी बात को। अगर वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हो तो दोनों का सम कर दो, क्या निकाल लो? वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हो दोनों, क्या कर दो? सम। अगर ये निकालना तो वेक्टर फॉर्म में दोनों का सम क्या इक्वल हो जाएगा भाई? जैसे मान लो ट्रायंगल में क्या पड़े हो, ये एक पहला वेक्टर, ये मान लो दूसरा वेक्टर, तो ये कितना होता है? ये इसके दोनों के सम के इक्वल होता है। लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की,
जब मैं बात करता हूँ परिमाण की, किसकी बात करता हूँ परिमाण की, तो आपको पता होगा अगर कोई वेक्टर ए आई प्लस बी जे के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये तो पता ही होगा, क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से जब मैं इसके परिमाण की बात करूंगा यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। लेकिन जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन को तो क्या लिखूंगा बेटा ए आर आई प्लस सॉरी वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली जुड़ो ए आर प्लस ए टी, बस ए आर प्लस ए टी, ये कहलाएगा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, ये क्या कहलाएगा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। लेकिन जब मैं उसकी मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या निकलूंगा अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये लिखूंगा। नहीं समझ में क्या बात बताओ, ये वेक्टर फॉर्म में इतना याद करना, ये सब किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, क्लियर हुआ नहीं हुआ, इनका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, बात पकड़ में आ गई सबको, ठीक है। एंड जो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन होगा क्या होगा, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होगा, इसी पोजीशन में डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, याद रखना ये कब होता है जब मैं स्पीड को क्या कर देता हूँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं, स्पीड चेंज है, जब स्पीड चेंज होती है तब स्पीड कांस्टेंट होती है 80 जीरो हो गया था, स्पीड कांस्टेंट होती है 80 क्या हो गया था जीरो हो गया था, स्पीड को चेंज करूँ तो 80 कुछ ना कुछ मान पाया जाएगा और यार कभी कुछ ना कुछ मान पाया जाएगा, तब हमारे पास ये फॉर्मूले बनेंगे, क्लियर हो रहा है ना सभी को। तो इस पोजीशन में इसकी डायरेक्शन ऑफ निकाल लेंगे ये सब, तो आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू, देख लो टैन थीटा इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए टी, ए आर अपॉन ए टी, अब आपने कभी पत्थर को घुमाया है, नहीं घुमाया, कभी टायर को घुमाया है जो चलाने वाले, उसमें और पत्थर घुमाने में क्या अंतर है, टायर कभी नचाया ऐसे ढंगा के ऊपर पीछे डंडा मार मार के उसको हम लोग दूर तक भगाते थे। अच्छा पहले रनिंग करने का तरीका बहुत अच्छा था और हम लोग थकते नहीं थे, पहले रनिंग करने का तरीका ये था कि आराम से एक बढ़िया कोई टायर ले लेते थे, बढ़िया तीन चार टायर उसमें लपेट लेते थे, फिर उसको बनाते थे बढ़िया आराम से लेते थे छोटा सा डंडा दा 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 गोली रहता भगाओ खुद तेज से और फिर छोड़ दो फिर जाने दो उसको फिर पकड़ के फिर लेकर भगाओ। रनिंग बहुत अच्छी होती थी, फिटनेस बॉडी फिटनेस बहुत अच्छी होती थी। आजकल के बच्चे से गेम खेलते हैं जल्दी नहीं खेलते, पा जाते हैं मोबाइल तो पबजी, छोटे बच्चे भी हैं तो पहले क्या होता था कंचे होते थे और भी बहुत सारी चीज़ें गेम होते थे ना, बैठ के पूरे दिन कभी भी टीवी के सामने बैठना ही नहीं है जल्दी, पूरे दिन कुछ ना कुछ। आज के बच्चे आजकल के बच्चे क्या होते हैं, आज आ गए तो पहले टीवी मम्मी ने ऑन कर दिया, बढ़िया अच्छा तरीका अपना रखा, बच्चा रो रहा है मोबाइल पकड़ा दो, ठीक ये हो रहा है टीवी दिखा दो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो पोजीशन है ना जो अभी स्थितियाँ चल रही हैं उससे भी बिगड़ने वाली स्थिति होने वाली है, देख लेना। आंखों में दिक्कत तो अभी से तुम देना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है, उसमें भाई बहुत सारी ऐसी किरणें होती हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, लेकिन हम अनजान होते हैं उन सभी चीज़ों से, जो दिख रहा है हमेशा वही नहीं होता, बहुत कुछ ऐसी जो चीज़ें हमें दिखती नहीं लेकिन होती हैं रियलिटी में, बहुत कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा लेकिन रियलिटी में होता है, तुम्हें क्या पता है यहाँ पे क्या क्या उपस्थित है, बहुत कुछ उपस्थित है, हमारे साथ बहुत सारे कीटाणु उपस्थित है यहाँ पर, दिख रहा है वो सूक्ष्म, हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। अब इसमें जब हम लाइव चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो देखने पर बहुत विस्तार से तुम्हें लेक्चर देंगे, बहुत विस्तार से, अभी क्या है ना कि इस पर हम ज़्यादा विस्तार नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारा लेक्चर ही अलग फॉर्म में अलग ही फील्ड में हम अभी नाच रहे हैं, जब हम धीरे धीरे चलेंगे अपने लाइट चैप्टर में फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हम लोग नई चीज़ें और सीखते हैं, ठीक है, बहुत कुछ नया है। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर हो गया, नोट कर लिया ना, याद भी कर लेना ना, नो नोट किया क्या, न्यूमेरिकल लगाने में सब उपयोग करूंगा मैं, न्यूमेरिकल भरपूर, एक दो न्यूमेरिकल नहीं, दो चार दस न्यूमेरिकल पंद्रह न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, बाकी तुम लोग अपने आप से करना, ठीक है। पूरी थ्योरी क्लियर हो रही नहीं हो रही है बताओ, थ्योरी क्लियर हो रही ना, ठीक है। न्यूमेरिकल कुछ करा दे क्या, कि आगे और लिखवाएं पहले, न्यूमेरिकल कुछ करा दिया जाए, अभी मैं सोच रहा था सेंट्रीपेटल फोर्स पढ़ा दूं, सेंट्रीपेटल फोर्स पढ़ा दूं क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स
आज के लिए इतना ही रखो, लेक्चर लेंथी हो रहा है ना, मुझे लगा लेक्चर लेंथी हो रहा है, आज इतना ही रखो, फिर नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे सेंट्रिपेटल फोर्स की और इसके न्यूमेरिकल की, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखो, किसी को कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो आज डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में तो डिस्कस कर ले बेटा, कोई भी डाउट बेटा आज के किसी के लेक्चर में, तो पूरा लेक्चर क्लियर हो गया आज सभी को, डिस्कस कर लिया जाए एक बार, ओवर यू, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमने क्या पॉइंट पढ़ाया आज, एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्मूला बताओ, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो कितना फॉर्मूला होगा, थीटा अपॉन टी, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा टी, सबको क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद हम आ गए थे किसमें, एंगुलर एक्सीलरेशन, व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, अल्फा बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, चलो ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा ताशरिंग तो हो जाएगा डी थीटा डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो ओमेगा बराबर कितना होता है, टू पाई एफ भी होता है, ओमेगा बराबर टू पाई एफ, ये तो पता ही होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए तो ओमेगा बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, अगर टाइम पीरियड कम ज्यादा हो रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, ये चक्कर लगाने में अगर टाइम पीरियड ज्यादा हो रहा है तो जाहिर है तो ओमेगा मान क्या होगा, कम है। अगर एक चक्कर बहुत बहुत टाइम ले रहे हो चक्कर लगाने में, इसका मतलब आपके एंगुलर वेलोसिटी कम है, अगर एक चक्कर लगाने में बहुत कम समय ले रहे हो तो मतलब आपकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है, कॉमन सेंस है यार, स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम, ये बात हम लोगों ने बहुत पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, इतने धांसू डिस्कस किया था कि तुम लोग अभी तक भूल नहीं पाए होगे, भूल जाओ तो मारेंगे बहुत अगड़ा, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कौन सी बात आ जाती है, रिलेशन के बाद, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, बताओ क्या होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, क्लियर रहेगा। अब रिलेशन बिटवीन एंगुलर नहीं कौन से एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन, बताओ, एज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा इक्वल टू होता कितना है, बोल गया ओमेगा पान टी, क्लियर नहीं क्लियर, कुछ भूलो नहीं, सब याद रखो, सब कुछ याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्लियर है सबको, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन समझ में आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन समझ में आ गया, इसमें जो फॉर्मूले कौन से बताए सब क्लियर है, कल चर्चा करेंगे बता पाओगे ना, पक्की बात, कोई दिक्कत, चलो अच्छा ये बताओ अगर कॉन्स्टेंट स्पीड रहेगी तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी डायरेक्शन से तो चेंज होगा ही, इस बात स्पीड को मैं कांस्टेंट कर दूंगा तो टेंशन एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, याद रखो टेंशन एक्सीलरेशन जीरो, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन एआर यानी कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कोई डाउट हो बताओ, समझा गया। अगर मैं क्या कर देता हूँ स्पीड को कांस्टेंट ना करूं, वेरिएबल कर दूं मतलब चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पाया जाएगा और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन भी पाया जाएगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट, क्लियर हुआ, अभी कोई डाउट हो बताओ, समझ में आ गया, ठीक है। तो